पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दौसा जिले की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय पर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख हीरालाल सैनी के मुख्य आतिथ्य में मनाए गए वन महोत्सव में कलेक्टर कमर चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीणा और डीएफओ विकेतन कुमार ने भाग लिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों और स्कूली बच्चों ने 200 से ज्यादा पौधे लगाए और इनकी संरक्षण की शपथ ली। वन महोत्सव है, हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं और ये मैसेज दें पूरे जिले को कि वनों में जितने पेड़ हैं उनको बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और पेड़ों से पर्यावरण तो अच्छा होगा ही होगा और साथ में आपके जो इस्तेमाल की जो लकड़ी है, पत्ते हैं, वो सब आपको मिल पाएंगे, पशुओं के लिए मिल पाएंगे। कई बार हम लोगों की मानसिकता होता है ऐसा पेड़ लगाएं जिसमें फल ना हो क्योंकि खा जाएंगे। अब फल होंगे तो तभी तो लोग खाएंगे, स्कूल के बच्चे तभी तो खा पाएंगे कि अगर फलदार पेड़ लगाओगे। ऐसे पेड़ लगाओगे जिसको पशु पहले बचाइए, जब वो पेड़ खुद में हो जाए तो फिर वो पशु के लिए भी आप व्यवस्था करें। उस तरीके का एक मिक्स वैरायटी जो ट्रीज़ की है वो लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चे पशु सब का जो पोषण हो सके, सबका जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि क्योंकि मानसून हमारा जुलाई से स्टार्ट हो गया था तो फॉरेस्ट एरिया में जो हमने 3,50,000 प्लांट्स थे वो लगाने तो हमने लगा दिया। एंड अभी क्योंकि वन महोत्सव ऐसा इवेंट है जो स्टेट लेवल से जो डायरेक्शंस आते हैं उसके बाद हम करते हैं, तो हमारे जो डायरेक्शंस मिले उस हिसाब से हमने ये स्कूल में अराउंड 200 प्लांट्स हमने लगाए हैं और स्कूल का बाउंड्री भी है तो सिक्योर है, यहाँ पे पौधे सिक्योर रहेंगे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है, तो फिर हमने यहाँ पे वन महोत्सव का किया है।